नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो? उम्मीद करती हूँ सुरक्षित और स्वस्थ दोनों ही होंगे। बच्चों, आज का विषय है हमारा हिंदी व्याकरण। तो बेटा, हिंदी व्याकरण जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी और हम इस कक्षा में भी पढ़ रहे हैं, ये हमें आगे भी पढ़नी है। हिंदी जो हमारी एक मातृभाषा है, ठीक है, इसके बारे में आज हम एक टॉपिक लेते हैं, संज्ञा। संज्ञा जो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम इसमें कुछ और नई चीज़ें जानेंगे, जैसे कि व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तुओं और स्थान के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी संज्ञा की परिभाषा, जिसे बोलते हैं ना डेफिनेशन, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो ये अब हम शुरू करें, ठीक है बच्चों। ये है आपकी हिंदी व्याकरण की किताब, इसका अध्याय 4, ये आपका संज्ञा का चैप्टर है, ठीक है। अध्याय 4 आप ओपन कीजिए। अब देखिए, इसमें आपको बताया गया है ना, वस्तुएं हो या व्यक्ति, सभी के होते अपने अपने नाम। जैसे व्यक्ति हो, वस्तु हो गई, चाहे व्यक्ति हो गया, आपके आसपास जो भी चीजें हैं, या फिर आप हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिनको, या कोई पशु पक्षी है, कुछ भी है, सबके नाम होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है, व्यक्ति हो या वस्तु, सभी के होते अपने अपने नाम। नाम बिना कोई जगह नहीं है, चाहे काम हो या फिर धाम। नाम के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। आप चाहे कहीं घूमने जा रहे हो, उस घूमने वाली जगह का भी नाम होता है, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का भी एक नाम होता है। हो आकाश या चंदा तारे, रहे उजाले या अंधियारे, आकाश हो या फिर तारे हो। आकाश में भी देखो आप, रोशनी होती है ना, तो क्या हुआ, उजाला। आकाश में जो रोशनी होती है उसको उजाला नाम दिया जाता है, और जो तारे होते हैं उसमें रोशनी होती है तो वो रोशनी दिखती है, तो इनका भी एक नाम हो गया है। इसी तरीके से बिना नाम पहचान कहाँ है, हो तुषार या फिर अंगारे। बिना नाम के चाहे तुषार हो चाहे अंगारे, यानी कि आग, ठीक है, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम अपने अध्याय में आगे आते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें कुछ वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का भी कुछ ना कुछ नाम है। तो बच्चों, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, ये हम जानते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये हमारी जो हम आगे लिखेंगे।
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी संज्ञा की परिभाषा, ठीक है। अब हम संज्ञा में हमने आपको बताया था जैसा कि व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, पशु पक्षी के बारे में बताया जाएगा, वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा, स्थान के बारे में। तो हम एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानते हैं। अब व्यक्ति में बच्चों क्या होता है कि देखो जैसे आपका नाम हो गया, मान लीजिए आप भी हो सकते हैं अजय, ठीक है। दादाजी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को देखिए, आप हो गए, दादाजी हो गई, मामा जी हो गए, माता जी हो गई, पिताजी हो गए, कोई भी आ सकता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो व्यक्तिवाचक में आता है। अब व्यक्तिवाचक और ये सारी जो आगे की संज्ञा होती है ये आप बड़ी क्लास में जानेंगे, लेकिन यहाँ आप जानेंगे जो व्यक्ति होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें सिर्फ व्यक्ति ही आते हैं। इसी तरीके से पशु पक्षी, अब पशु पक्षी बच्चों आपको पता है वो चिड़िया है, कोयल है, मोर है, गाय है, बैल है, शेर है, ये सब जो होते हैं जो जंगल में रहते हैं या जो उड़ते हैं वो सब भी क्या होते हैं, पशु पक्षी मानते हैं और वो संज्ञा में माने जाते हैं क्योंकि जो सजीव होते हैं, है ना। अब व्यक्ति ये देखिए, व्यक्ति ये सांस भी लेते हैं, सजीव में आते हैं ना, चलते फिरते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पशु पक्षी हो गए हैं। तो पशु पक्षी में कौन कौन से आ जाएंगे, वैसे तो सभी हो गए लेकिन हम कुछ के नाम जानेंगे। कोयल, ठीक है, गाय, और आपकी बुक में क्या है ये देखिए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि चींटी है, मच्छर है, मच्छर, ये सब भी क्या पशु पक्षियों में आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम वस्तुओं पे। अब वस्तु बच्चों कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मेज है, टीवी है, मोबाइल है, और आपके आसपास में बेड हो गया है, मतलब आपके घर में जो काम आप रोजमर्रा में चीजें देखते हैं ना वो वस्तु है। गार्डन में जाते हो तो झूले देखते हो ना, ठीक है, वो भी एक वस्तु है। आप कुछ भी काम में ले रहे हो, खिलौने काम में ले रहे हो, मेले में जाते हो बहुत सारे खिलौने देखते हैं, वो हो गए। आप जो कपड़े पहनते हो वो हो गए। तो जो वस्तुएं होती है वो निर्जीव होती है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती है। अब देखो पशु पक्षी चल फिर सकते हैं, खा पीते हैं, इसी तरीके से व्यक्ति होते हैं, लेकिन क्या वस्तु और स्थान चलते हैं, नहीं चलते, ये आते हैं आपके सजीव में और ये आते हैं आपके निर्जीव में, लेकिन इन सभी का मूल जो है वो है संज्ञा, ठीक है। अब वस्तुओं में हम क्या क्या जानेंगे, वस्तुओं का हम जानते हैं, वस्तु में क्या है जैसे मेज, मोबाइल,
मेरी प्यारी चीजें यदि आप सभी खाते हैं, है ना, जिसका हम अपना नाम लिखेंगे। हो गया, चौक ले, चॉकलेट खाते हो ना सभी? सभी बच्चे चॉकलेट खाते हैं? तो ये है आपकी कुछ वस्तुएं, जो खाने पीने की चीजें भी होती है वो भी वस्तुओं में ही आती है। इसी तरीके से होता है स्थान। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो, मम्मी पापा के साथ जाते हो ना ट्रैवल करने रेलगाड़ी में बैठ के छुक 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 में, तो जो आपकी वो होती है ना रेलगाड़ी है, बस है या आपकी कार है, तो जहाँ भी आप जाते हो, जिस स्थान पे घूमने जा रहे हो, वो भी आपकी संज्ञा में ही आते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका पहला उदाहरण, क्या है, ताज महल, ठीक है। अगला है हमारा महासागर। बच्चों जो नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, ठीक है, जो आपकी घूमने की जगह, ये सब भी आपके स्थान में आते हैं। अगला आ जाता है हमारा हिमालय। हिमालय के बाद आता है हमारा गंगा, नदी। मैंने कहा ना आपको नदी तालाब भी आते हैं आपके संज्ञा में, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नैनीताल, नैनीताल। ये कुछ स्थान है जो आपके संज्ञा में आते हैं। अब हम देखते हैं हमारी बुक्स में क्या क्या है, हमारे पुस्तक में कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। देखो, लेखनी दे रखी कलम, जिसे हम क्या बोलते हैं पेन के बोलते हैं। घड़ी उधर की, इसमें घड़ी भी आ सकती है आपकी, है ना। यहाँ आपकी बहुत सारी चीजें, कुतुब मीनार हो गया है, हिंद महासागर हो गया है, और भी बहुत सारी जगह, जयपुर दिल्ली, हम घूमने जाते हैं ना, कंपनी बाग जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो वो सब क्या है, एक स्थान, ठीक है। अब बच्चों ये है आपके व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तुएं और स्थान। लेकिन इनके अलावा और क्या क्या चीजें होती है वो हम जानते हैं। जैसे कि आपके दिनों के नाम है, याद है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, याद है ना आपके दिन। तो ये जो दिन होते हैं ये भी आपके क्या थे, संज्ञा। इसी तरीके से आपके महीने के नाम, जो आप बोलते हैं ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो आपके महीनों के नाम है ये भी संज्ञा में आते हैं। आप देखिए आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं। ये देखिए ऋतुओं के नाम भी जैसे हो गए, आपके ऋतुओं के नाम कौन कौन से है, बसंत है, वर्षा है ना, शिशिर है, हेमंत है, शरद है और ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु आती है ना। तो इस तरीके से जो आपकी ऋतुएं भी होती है वो भी आपकी संज्ञा में आती है। तो बच्चों हिंदी महीनों के नाम भी हमने जाने, हिंदी महीने के नाम जाने आप क्या क्या हैं। देखो चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो बच्चों अभी जो चल रहा है वो कौन सा माह है बताइए, किसी को पता है? नहीं पता ना। और जो माह चल रहा है वो है श्रावण, यानी कि सावन का जो आदर, सावन आता है जो, ये वो, ठीक है। तो अब आपने जाना कि आपकी बुक्स में देखो ऋतुओं के नाम भी बताए हैं, महीने के नाम बताए हैं, दिनों के नाम बताए हैं, और आपके हिंद महीनों के, हिंदी महीने के जो नाम होते हैं हिंदू धर्म में जो आते हैं वो भी बता दिए हैं। तो बच्चों ये हम इनको व्यक्तियों को, पशु पक्षियों को, वस्तुओं को, स्थान को, और साथ में ही मैंने आपको जो और कुछ चीज़ें बताई है इनका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हमारी नोटबुक में हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, कुछ व्यक्तियों के नाम लिखेंगे, कुछ पशु पक्षियों के, कुछ वस्तुओं के और कुछ स्थान के। लेकिन बच्चों आप अपनी तरफ से लिखना जो आपको खुद से समझ में आता है, ठीक है। आप, मैं भी तो जानूँ कि आपको कितना समझ में आया है, मुझे
मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, जब आप आओगे तो मैं देखूंगी। ठीक है,